दोस्तों, अगर आप काफी सालों से लैपटॉप का इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो लैपटॉप कैसे चलाएं, लैपटॉप कितने का आता है, आप भली भांति जानते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि लैपटॉप बनता कैसे है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। लैपटॉप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे उम्र के अनुसार इंसान द्वारा अलग अलग इंटेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गेमिंग के लिए, अपने पर्सनल कामों के लिए या फिर ऑफिस के लिए। इसलिए मार्केट में आपको अलग अलग साइज दाम के हिसाब से लैपटॉप्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इन लैपटॉप्स को बनाने की प्रोसेस काफी कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हमने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर सटीक जानकारी देने की कोशिश की है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया जरूर लग जाए कि आखिर लैपटॉप किन प्रोसेस से गुजर कर मार्केट में आता है। चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि लैपटॉप बनाया कैसे जाता है, लैपटॉप का मदरबोर्ड कैसे तैयार होता है। कंप्यूटर लैपटॉप का सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है मदरबोर्ड, जिससे इस मशीन के दूसरे कॉम्पोनेंट जुड़े होते हैं। तो एक लैपटॉप तैयार करने के लिए इस प्रोसेस की शुरुआत होती है मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड को बनाने के लिए पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से एक कॉम्पोनेंट दूसरे से अटैच होता है। इस पीसीबी प्लेट में काफी बारीक शेप के कॉपर लगे होते हैं। अब इसी प्लेट में मशीन की मदद से एक लेआउट यानी कि खांचा तैयार किया जाता है, जिससे सभी कंपोनेंट्स को उनके फिक्स्ड जगह पर सेट किया जा सके। डिटेल में कहा जाए तो पीसीबी प्लेट में किस जगह रैम सीपीयू होगा, ये जगह बनाने में एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है तो एक बार ये कंफर्म किया जाता है कि किसी कंपोनेंट के लिए पीसीबी प्लेट में जगह छूट तो नहीं रही है। इससे पता लगाने के लिए एक स्कैनिंग मशीन का इस्तेमाल करके फोटो कैप्चर की जाती है, जिसके बाद ये फोटो एक कंप्यूटर में भेजी जाती है जो पीसीबी प्लेट का चेकिंग करता है। इस तरह जब पीसीबी प्लेट को बारीकी से चेक कर लिया जाता है तो अगले स्टेप में इसी प्लेट में मदरबोर्ड में लगने वाले छोटे छोटे कंपोनेंट्स को लगाया जाता है। तो इन कंपोनेंट्स को सही लोकेशन पर सेट करने के लिए इस पीसीबी प्लेट को 15 रोबोटिक मशीन से गुजारा जाता है। ये सभी मशीन सभी कंपोनेंट्स को सही जगह पर सेट कर देती हैं। दिलचस्प बात पता है क्या? दिलचस्प बात ये है कि रोबोटिक मशीन इस काम को एक मिनट से भी कम समय में निपटा देती है। अगर मैन्युअली यही काम किया जाए तो इंसानों को इसमें बहुत समय लग सकता है। तो एक बार जब सभी छोटे छोटे कंपोनेंट्स इस पीसीबी प्लेट में सेट हो जाते हैं तो ये चेक किया जाता है कि सारे कंपोनेंट्स सही लोकेशन पर सेट हुए हैं या फिर नहीं। ये काम दूसरी मशीन चेक करती है। फिर अगले प्रोसेस में मदरबोर्ड में लगे ये सभी कंपोनेंट्स अपना वर्क कर रहे हैं या नहीं, इसे चेक करने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारी जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब मदरबोर्ड को असेंबल करने के लिए भेज दिया जाता है। लैपटॉप डिस्प्ले कैसे बनाते हैं? लैपटॉप की डिस्प्ले पहले से ही बनाई गई होती है और लैपटॉप बिल्ड करने के लिए उस डिस्प्ले को लगाया जाता है और उसमें एक फिल्म प्रोटेक्टर चढ़ाया जाता है। इसके बाद इस लैपटॉप में कनेक्टर लगाया जाता है, जिससे लैपटॉप की डिस्प्ले सभी मेन पार्ट्स यानी कि मदरबोर्ड से कनेक्ट की जाती हैं। और इस तरह से हम जो भी लैपटॉप में काम करते हैं वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। अगले स्टेप में स्क्रीन पर एक फ्रेम लगाया जाता है और इसी फ्रेम में वेबकैम, माइक्रोफोन और दूसरे कंपोनेंट्स को लगाया जाता है। साथ ही इस फ्रेम में वाईफाई एंटीना जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अटैच किया जाता है। इस तरह डिस्प्ले का सारा प्रोसेस पूरा करने के बाद इस डिस्प्ले को एक मेटल फ्रेम में रखा जाता है और डिस्प्ले को प्रेस कर दिया जाता है ताकि जो फ्रेम है वो अच्छे से फिट हो सके। इस प्रकार लैपटॉप का ऊपरी भाग तैयार हो जाता है। और अब बात आती है निचले भाग की यानी कि कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड को एक टच पैड ऐड किया जाता है और लैपटॉप के डिस्प्ले को कीबोर्ड से अटैच किया जाता है। फिर अगले स्टेप में शुरू होती है मदरबोर्ड में फैन और दूसरे कंपोनेंट्स को लगाने की प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के बाद मदरबोर्ड में एक फैन लगाया जाता है जो कि हीट को कम करने का काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले मदरबोर्ड को इस हिसाब से कट किया जाता है जहां पर मदरबोर्ड के फैन को सेट किया जा सके। तो इस तरह जब मदरबोर्ड में फैन लग जाता है, अब दूसरे कंपोनेंट्स जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, ड्राइवर, रैम, हार्ड डिस्क जैसे कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड में दिए गए स्लॉट में अटैच किया जाता है। और अब आखिर में बारी आती है लैपटॉप की बैटरी की। पावर भी तो चाहिए।
तो उसके लिए अलग से फ्रेम लगाकर उसे इस डिवाइस में अटैच किया जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स अब जब अटैच हो जाते हैं तो लैपटॉप को अब लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के बाद एक बार फिर से इसे चेक किया जाता है, क्या इस मशीन की स्क्रीन कीबोर्ड काम कर रहे हैं या फिर नहीं। तो ये वेरीफाई करने के बाद अब आखिर में इसे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसके बाद मार्केट में लैपटॉप को लॉन्च कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी प्रोसेस लैपटॉप कैसे बनाते हैं से लेकर पैकेजिंग तक की। सो अब बात करते हैं कि लैपटॉप का इन्वेंशन किसने किया। जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप की बात आती है तो अक्सर ये सवाल आता है कि इतने यूजफुल और एडवांस डिवाइस का इन्वेंशन किसने किया था। तो आपको बता दें कि मैथमेटिशियन और इन्वेंटर चार्लीज बैबेज ने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिन्हें दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता है। लेकिन कई लोगों द्वारा ये भी माना जाता है कि 1622 में एबकस, जो कि टिम क्रैनमर के द्वारा बनाया गया था, वो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था। लेकिन जो कंप्यूटर आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ चार्लीज बैबेज की कोशिशों द्वारा ही संभव हो पाया है। वैसे तो कंप्यूटर के फील्ड में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी भूमिका दी है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर का इन्वेंशन जॉन ब्लैंकनबेकर ने किया, जबकि लैपटॉप का इन्वेंशन एडम ऑसबॉर्न ने किया। लेकिन कंप्यूटर को बनाने की प्रोसेस चार्लीज बैबेज के द्वारा ही शुरू की गई, इसीलिए ही इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत 1830 के समय में चार्लीज बैबेज के द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाने की प्लानिंग की थी, जो कि कंप्यूटर के फील्ड में एक शुरुआत थी। फिर उन्होंने इस डिवाइस के लिए काम करना शुरू कर दिया और 1822 में उन्होंने डिफरेंस इंजन का इन्वेंशन किया, जिसे सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर माना जाता है। 1833 में चार्लीज बैबेज ने एनालिटिकल इंजन का इन्वेंशन किया, जो कि एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वो इस काम को पूरा नहीं कर सके और 1871 में चार्लीज बैबेज की मौत हो गई। इसके बाद 40 साल बाद 1888 में चार्लीज बैबेज के बेटे हेनरी बैबेज ने इस काम को पूरा किया। आपको बता दें कि एनालिटिकल इंजन सभी तरह के कैलकुलेशन करता है। आपको बता दें कि 1937 में जॉन विंसेंट और क्लिफोर्ड बैरी के द्वारा एबीसी एटनोस्प बैरी कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया, जिसका इस्तेमाल बहुत सारी कैलकुलेशंस करने के लिए किया जाता था। फिर 1938 में पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बनाया गया, जिसका नाम था Z1, जिसे कॉनराड ज्यूस के द्वारा डिजाइन किया गया था। 1945 में जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मर्शली के द्वारा दुनिया का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया। फिर 23 दिसंबर 1947 में विलियम शॉकली, जॉन बैल्डिन और वॉल्टर हाउसर ब्रिटेन के द्वारा ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया गया, जो कि कंप्यूटर के फील्ड में बहुत ही यूजफुल साबित हुआ। ट्रांजिस्टर के आ जाने के बाद कंप्यूटर के साइज में काफी चेंज होने लगे। जिस कंप्यूटर को रखने के लिए एक पूरे कमरे की जरूरत पड़ती थी, ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के बाद उस कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया, जिसे कि आसानी से हैंडल किया जा सकता था। 1975 में दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर अल्टेयर 8800 ED रॉबर्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन कई लोगों के द्वारा 1971 में लॉन्च किया गया। केन बैक कंप्यूटर को ही दुनिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है। इस कंप्यूटर के लॉन्च होने के साथ ही कंप्यूटर फील्ड में एक नई टर्म पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च किया गया, जिसे आज हम शॉर्ट टर्म में PC कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का साइज बड़ा था और इसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था और ना ही इसे बिना बिजली के इस्तेमाल किया जा सकता था। इसीलिए इस कमी को पूरा करने के लिए 1981 में एडम ऑसबॉर्न ने पहले लैपटॉप का इन्वेंशन किया। लैपटॉप के लिए अलग से किसी पेरिफेरल डिवाइस की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसमें पहले से ही टच पैड, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, माइक्रोफोन सभी फीचर्स मौजूद थे। इसीलिए इसे मार्केट में लॉन्च होते ही बहुत ही सफलता हासिल कर ली। जब इसे मार्केट में पहली बार लॉन्च किया गया, तब लैपटॉप की कीमत $795 थी। ये तो आप भी मानते होंगे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट होने से
इसने हमारे लाइफ को बहुत ही इम्प्रूव कर दिया है और अभी के जनरेशन के लोग इस टेक्नोलॉजी का सच में भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आज के समय में इंसान पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर है और अपने सभी काम इन्हीं लेटेस्ट अवेलेबल मशीन्स और गैजेट से ही पूरा कर रहे हैं। वहीं दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम मोबाइल फोन्स या टेलीफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अपने ऑफिस वर्क या अपने कोई दूसरे काम को करने के लिए हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं डेस्कटॉप कंप्यूटर अब पुरानी बातें लगने लगी हैं, क्योंकि वो एक ही जगह पर रहते हैं और उसे एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने में तकलीफ होती है। इसी समस्या को हल करने के लिए लैपटॉप्स का इन्वेंशन किया गया था। ये लैपटॉप और टैबलेट्स लोगों को पोर्टेबिलिटी और मोबिलिटी के फीचर्स प्रोवाइड करने लगे, जिससे लोगों को अब डेस्कटॉप के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ता है। साथ में लैपटॉप्स का इस्तेमाल वो कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।